सरकार ने इतना अच्छा प्रावधान करा है, सरकार ने मेडिकल की किचन बना रखी है, सब आईपीडी पेशेंट्स को यहीं से खाना मिलना चाहिए, तो एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की हठधर्मिता की वजह से ये सब चीजें रुक जाएंगी क्या? आज से ही मेनू फाइनल करो, बिल्कुल फाइनल। नहीं, मुझे भी एक घंटे में चाहिए मेनू, बताओ फाइनल करो। और ये सामान बिल्कुल, और ये जो जो भी सब्जी होती है बननी है, फटाफट परचेजिंग करवाइए, लेके आओ आज से ये किचन बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो जाएगा। आज JLN अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें सर्वप्रथम सभी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, इनकी उपस्थिति चेक की गई। कुछ डॉक्टर्स की और स्टाफ की रजिस्टर्स में साइंस नहीं थे, उसको हम यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी सिस्टम है उसकी रिपोर्ट से टैली कर रहे हैं। जिनके रजिस्टर्स में भी साइन नहीं है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं है, उनको नोटिसेस जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ हमने पूरी OPDs का विज़िट किया, वार्ड्स का विज़िट किया, और कई जगह सिविल के कई कामों की कमियां पाई गई। तो सिविल की टीम को बुला करके और PWD की जो टीम है जो यहाँ पे काम करवा रही है, उसको निर्देशित किया गया है कि दो दिन में हॉस्पिटल परिसर में जहाँ जहाँ पे भी हमें कुछ भी दुरुस्ती करवानी है वो करवाया जाए। हमारी सभी OPDs में नेक्स्ट 2 डेज में पेंट करवाना है वो हो जाए। जहाँ पर भी हमें माइनर रिपेयर्स कराने हैं वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हॉस्पिटल परिसर में कई जगह मलबा इकट्ठा हो चुका है, उसको क्लीन कराना है। एक हमारे जो ड्रेन का प्रॉब्लम यहाँ हमेशा रहता है, उसमें 2 चैनल्स हैं। एक चैनल है जो मिट्टी की वजह से क्लॉग रहता है, और कमी जो बारिश आती है उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको अगले 2 से 3 दिन में हमें सफाई करवानी है। उसके लिए भी सिविल की टीम को निर्देशित कर दिया गया है। जो मेजर एक नाला है ड्रेनेज का, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, उसको दुरुस्त कराने के लिए और उसका एक आउटलेट क्रिएट करने के लिए निगम की टीम को निर्देशित कर दिया है। वो टीम आज ही आकर के यहाँ पे विजिट करेगी और उसको जो भी हमारी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उस पर इंकॉर्पोरेट करा के प्रयास किया जाएगा कि आगामी बरसातों से पहले पहले उस ड्रेन का एक आउटलेट बना दिया जाए। सभी वार्ड्स में और OPDs में हमने देखा कि सभी इक्विपमेंट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनल हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लैब का विज़िट किया गया, ब्लड बैंक का भी विज़िट किया गया, सभी रिएजेंट्स समय से आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है। और अगर किसी भी चीज़ की कमी रहती है तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वह अपने उच्च अधिकारियों को समय पर बताएं, मरीजों के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किचन का इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ पर भारी अनियमितता पाई गई। वहाँ पर जो किचन में इंचार्ज हैं उन्होंने अभी तक 3 महीने पहले से उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर हो चुका था, बट उन्होंने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया था। तो जो भी अब संबंधित अधिकारी हैं जिनको चार्ज लेना चाहिए था, उनको इमीडिएटली आज ही चार्ज लेकर के किचन को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जो कार्मिक हैं जिन्होंने अब तक कमियाँ रखी हैं और गलतियाँ करी हैं, उनको आज निलंबित किया गया है। उसके एक ही जो मेन कार्मिक हैं जिन्होंने अब तक चार्ज हैंडओवर नहीं किया था, जिसकी वजह से सब मरीज परेशानी भुगत रहे थे, उनको आज निलंबित किया गया है। इसके उपरांत हमारी जो CMHO की पूरी टीम थी, उसने अकाउंट सेक्शन का भी निरीक्षण किया, सभी अकाउंट्स प्रॉपर पाए गए। कुछ जगह पेमेंट्स में डिलेज था, तो संबंधित जो हमारे FA हैं उनको निर्देशित कर दिया गया कि वो पेमेंट्स भी बिल्कुल सुचारू रूप से करें, और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है या कहीं पर कोई आपको ऐसा कोई
फैक्टर इन हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस से वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल था जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें टीओ मैडम को बता दिया गया है कि वो इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करें। तो जो भी जिस भी तरह की यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी थी उसको संबंधित विभाग से टाई अप करके जल्द से जल्द उसकी दुरुस्ती कराने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे काम ठीक था, कोई मेजर लैक्यूना हमें अपार्ट फ्रॉम किचन कोई मेजर लैक्यूना नहीं मिला।